गुड इवनिंग टू ऑल। ये लोअर पीसेस की पहली क्लास है आधुनिक भारत का, और आधुनिक भारत के पहले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ से बहुत सवाल आता है कि अब तक भारत में कितने गवर्नर जनरल हुए, कितने वायसराय हुए, और गवर्नर जनरल के कार्यकाल की विशेषता क्या थी, वायसराय के कार्यकाल की विशेषता क्या थी, कब गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया गया। यहाँ से भी ये मान के चलिए कि एक प्रश्न पक्के हैं कि आते हैं। और कभी कभी तो ये होता है कि गवर्नर जनरल का या वायसराय का नाम आगे पीछे दे के इन्हें सही क्रम में मिलान करें। अब सही क्रम में मिलान करने के लिए लगभग 35 गवर्नर जनरल और वायसरायों को मिलाकर हुए हैं, लगभग 35। तो आप कितना याद करेंगे? अगर आप इनका क्रम याद करते हैं तो आप इनको भूल जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई हुई है, आपको गवर्नर जनरल को पूरे क्रम से जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं पूरे गवर्नर जनरल को याद करवाने की ट्रिक है, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर आप पूरे ट्रिक को केवल दो बार पढ़ लेंगे, इसको लिख लेंगे और इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। और ये मान के चलिए कि यहाँ से एक सवाल पक्का है आता है, और ज़्यादातर ऐसे सवाल पूछते हैं कि आगे पीछे गवर्नर जनरल का नाम दे देगा, आप इन्हें सही क्रम में मिलान करें। अब सही क्रम में आप विदाउट ट्रिक कितना पढ़ लीजिए लेकिन आपको याद नहीं रहेगा, इसीलिए कुछ चीज़ों को आप याद करने के लिए उसमें ट्रिक का इस्तेमाल करिए जिससे कि चीज़ें इजीली तरीके से आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल है वो 1828 से 1858 तक है, ठीक। इसके पहले भी और गवर्नर जनरल हुए हैं, उनके बारे में केवल फैक्ट पूछता है, ठीक है। उनके कार्यकाल और उनका क्रम थोड़ा कम पूछता है। हम यहाँ से बात करते हैं विलियम बेंटिंक, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। इस क्लास में केवल हम आपको गवर्नर जनरल को याद करने का क्रम बताएंगे, बाकी इसके बाकी क्लास में हम आपको सारे गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्यकाल और कार्यकाल की विशेषता बताएंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक आपको पहले नोट कर लीजिए, बेंटिंक मेटकॉफ आई एलन, हार्डिंग डलहौजी करे कैनिंग, ठीक है। ट्रिक क्या है? बेंटिंक मेटकॉफ आई एलन, हार्डिंग डलहौजी करे कैनिंग, आप इसको याद कर लीजिए, ठीक। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस आपको ऐसे बोलना है बेंटिंक मेटकॉफ आई एलन, हार्डिंग डलहौजी करे कैनिंग, ठीक है। अब बेंटिंक से आपको पता चल जाएगा, एक हिंट मिल जाएगा कि विलियम बेंटिंक, बेंटिंक मेटकॉफ, मेटकॉफ से आपको हिंट मिल जाएगा सर चार्ल्स मेटकॉफ, आय से आपको हिंट मिल जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। एलन से आपको हिंट मिल जाएगा लॉर्ड एलनबरो, क्या है? लॉर्ड एलनबरो, ठीक है। हार्डिंग से आपको हिंट मिल जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। अगला है डलहौजी से आपको हिंट मिल जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और कैनिंग से करे से कुछ नहीं होगा, ठीक है, करे से कुछ नहीं होगा, कैनिंग से लॉर्ड कैनिंग, ठीक। तो एक बार ट्रिक और पढ़ लीजिए मेरे साथ, बेंटिंक मेटकॉफ आई एलन, हार्डिंग डलहौजी करे कैनिंग, ठीक है। बेंटिंक मेटकॉफ आई एलन, हार्डिंग डलहौजी करे कैनिंग, ठीक। तो इसको अगर आप दो तीन बार पढ़ लेते हैं, इसको एक बार याद कर लेंगे तो आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ से कैसा भी प्रश्न आए आप मिलान सही कर लेंगे, ठीक है। ये तो हमने गवर्नर जनरल की बात की, अब हम वायसराय की बात करते हैं। वायसराय की बात करें तो क ए लमे नाली लीड लेंस, देखिए ट्रिक बड़ी है, आप इसे तोड़ के पढ़िएगा, आप यहाँ तक पहले पढ़िएगा क ए लमे नाली लीड लेंस, एक मिंटो हच रीड इर विली वे माउंट, ठीक है। थोड़ी सी टफ है लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो सके, ठीक है। ऐसी कोई भी चीजें नहीं है जो आप चाहे वो कर ना पाए, ठीक। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? क ए लमे नाली लीड लेंस, क ए लमे नाली लीड लेंस, एक मिंटो हच इर रीड इर विली वे माउंट, रीड इर विली वे माउंट, ठीक है। अब देखिए कैसे क ए, ठीक, कैसे आप यहाँ क्या मान लीजिए, कैसे लॉर्ड कैनिंग, सॉरी वायसराय कैनिंग,
ऐसे एल्गिन ला से सर जॉन लॉरेंस, मे से मेयो, ना से नॉर्थब्रुक, ली से लिटन, री से रिपन, दा से डफरिन, लेंस से लेंस डाउन, ए से एल्गिन द्विति, का से लॉट कर्जन, का से कर्जन, मिंटो से मिंटो द्विति, हा से हार्डिंग द्विति, चे से चिंसफोर्ड द्विति, रीड से रीडिंग, इर से इरविन, वी से विलिगटन, ली से लिन लिथगो, अवे से वेवेल, माउंट से माउंटबेटन। ठीक है, आपको कुछ नहीं याद करना है, केवल आप सारे टेक्स्ट को दो तीन बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, और थोड़ी लंबी है लेकिन ऐसा नहीं कि आपको याद ना हो। ठीक है, कैसे याद करेंगे, हमारे साथ आप बोलिए कौ ए लमे नाली लीड लेंस, कौ ए लमे नाली लीड लेंस, एक मिंटो हच, एक मिंटो हच। ठीक है, आप ऐसे याद करेंगे कौ ए लमे नाली लीड लेंस, एक मिंटो हच, रीड इर विलेवे माउंट, रीड इर विलेवे माउंट। ठीक है, ये वायसराय, और वायसराय का कार्यकाल था 1858 से लेके 1948 तक, और जितने भी वायसराय हैं, ये जितने भी गवर्नर जनरल हैं, अभी आप सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे और उनके कार्यकाल की विशेषता भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी क्लास है जिसमें हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आप वायसराय को और गवर्नर जनरल को बड़े ईजिली तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे की चर्चा हम करते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।